हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे देतेमन। जिला योजना कार्यालय देवघर से वैकेंसी आई है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो की। बहुत अच्छी पोस्ट रहने वाली है, 55,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रखी है, साथ में सोशल मीडिया का यूज़ कैसे होता है इससे आप परिचित हैं, डाटा एंट्री और प्रेजेंटेशन आपको आती है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किए हो, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर रहने वाली है। आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी फीस नहीं लगेगी। ऑल स्टेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, वैकेंसी जो है आई है देवघर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जो है इसकी ऑफिशियली मेन वेबसाइट है, यहीं पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सभी जितनी भी मेरे द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है जॉब से संबंधित, सभी रियल होती हैं, कोई फेक नहीं होती हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि ये जॉब जो है फेक है या रियल है। मेन वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें दिखाने का मतलब यही है कि ये जितनी भी वैकेंसी मेरे द्वारा आप लोगों को चैनल पर बताई जा रही है सभी की सभी रियल हैं। तो चलिए ऑफिशियली सारी चीजें मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर व्हाट्स न्यू में आप लोगों को सेकंड नंबर पर ही नजर आएगा रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इन देवघर डिस्ट्रिक्ट। कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करें। बाकी वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें बताती हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट की हो। यहाँ पर कहा है कि आप लोगों को डाटा एंट्री और प्रेजेंटेशन इसका जो है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया का क्या यूज है इससे आप परिचित हों, साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट वगैरह आपको अगर दिया जाएगा तो ये कौशल जो है आपको आना चाहिए, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट एनजीओज या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कम से कम और अधिक से अधिक, ठीक है, सभी यहाँ पर चल जाएंगे। अगर आपने 3 साल का भी जो है एक्सपीरियंस आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट एनजीओज या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 18 से 40 साल उम्र रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4, 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी वो हैव कंप्लीटेड देयर हायर एजुकेशन इन रूरल डेवलपमेंट, जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट में हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, सोशल साइंस में कंप्लीट कर रखी है, या डेवलपमेंट स्टडीज, या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड में कर रखी है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। तो मुझे नहीं लगता यहाँ क्वालिफिकेशन जो है सभी स्टूडेंट के पास ऐसी रहती है, बाकी किसी भी गवर्नमेंट एनजीओ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने काम किया ही होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर मंथली इनकम जो है वो आप लोगों की रहने वाली है 55,000। आवेदन हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा, यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वनियोजन के आधार पर क्रियान्वित होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इनकी मर्जी पर ही जो है यहाँ पर एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो की नियुक्ति की जाएगी, पूर्णतः अस्थायी तौर पर 1 वर्ष के लिए पहले की जाएगी, फिर जो है इनकी मर्जी से रखा जाएगा, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वनियोजन के आधार पर क्रियान्वित होगा। तो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बताई जाती है। अगर परमानेंट होती है तो परमानेंट बताई जाती है, अगर अस्थाई होती है, टेम्परेरी होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे फॉर्म फिल करने से पहले। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर है, शाम को 4 बजे तक। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो यहाँ साक्षात्कार एवं कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का अंतिम चयन होगा। लास्ट में जो है ये दिया हुआ है 4th पेज पर ही,
आवेदन पत्र जिसे आप फिल कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट के साथ में दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। एड्रेस आपको कहाँ पर मिलेगा तो ये आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया में ही, थर्ड नंबर पर, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर। इसके द्वारा आप लोग भेज देंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस, विकास भवन, ग्राउंड फ्लोर, समाहरणालय, डीसी ऑफिस, देवघर, झारखंड। पिन कोड है, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप से जो है आप लोग नहीं भेजें, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑफलाइन मोड भी रहेगा, ऑनलाइन मोड अगर भेजना चाहते हैं आप लोग तो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अपने जितने भी एजुकेशनल या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हैं इनको आप एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज देना है। ये जो है ईमेल एड्रेस है। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जो लोग ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन भेज सकते हैं। 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए ऐसी ही वैकेंसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।